सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 9वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तू तम प्रमादे संजयत्युत। अर्थात, हे भारत, सत्व गुण से जो सुख के साथ हम संग करते हैं उसके कारण सत्व गुण की जीत हो जाती है, सत्व की जीत होती है सुख के साथ संग करने के कारण। और रजह कर्मणि भारत, और कर्म के प्रति जो हमारा संगपन है वह रजगुण को जीत दिला देता है। ज्ञानम आवृत्य तू तमः, और ज्ञान को आवृत्त करने के कारण जो तम गुण है वह प्रमाद उत्पन्न करके जीत हासिल करता है। तो भगवान ने यहाँ पर गुणों की कैसे जीत होती है, यानी हमारी जो आसक्ति रूपी जो अवस्था है वह कैसे कारण बनती है इन गुणों के जीतने का, उसका यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो सुख है वह मूल कारण है, उसके साथ जो आसक्ति हमारी होती है, सुख के प्रति जो हमारा लगाव है, लगातार हम कोई चीज़ जो भोगना चाहते हैं उसमें सुख खोजते हैं, तो यह सात्विक गुण होता है। सात्विक गुण की जीत हो जाती है जब हम आसक्त हो जाते हैं, सिर्फ सुख से नहीं बल्कि सुख के कारण जो आसक्ति होती है। इसके पहले भगवान ने बताया था कि जो ज्ञान है वह भी बंधन का कारण बनता है। तो वह क्यों बनता है, क्यों ज्ञान का भी हम सुख लेने लगते हैं, भोगने लगते हैं, तो भोग की जो प्रवृत्ति होती है तो वह हमें बंधन में बांधती है, वही मुख्य रूप से बंधनकारी है। वो आसक्ति ही मुख्य बंधनकारी है। तो यहाँ आसक्ति सुख की आसक्ति जो है, यदि ऐसा है कि सुख के कारण हम बंधे हुए रहते हैं तो इसका मतलब है हमारे में सत्वगुण का प्रभाव है। तो हम चाहे कोई साधना कर लें तो कहें भाई हम साधक हैं, अच्छे साधक हैं, तो उसकी आसक्ति हो जाएगी। स्वाध्याय करते हैं और कुछ अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं, उससे कुछ हमें अनुभूति मिलती है, तो फिर हम उसका भी राग अलापने लगते हैं, लोगों को सुनाने लगते हैं कि मैं बड़ा आध्यात्मिक हो गया हूँ। तो इस तरह के जो वचन हम सुनाते फिरते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म अहंकार है वो इसमें सुख पाता है, उसे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कुछ श्रेष्ठ हो गया इनसे, या मुझे कुछ सुख मिला है वह मैं बता दूं तो सुख की और वृद्धि हो जाती है उसमें। तो इन कारणों से हम बंध जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, जिसके कारण सत्य की जीत मानी जाती है। अब कर्म की आसक्ति जो होती है लगातार, चूंकि हम जन्मों जन्मों से कर्म करते आए हैं, क्रिया करने के लिए बाध्य हैं, या अस्तित्व सदैव क्रिया करता ही रहता है और हमारा मन उन क्रियाओं में लगा रहता है,
और उसके कुछ अपेक्षित परिणाम के कारण हम कुछ कर्म करने को प्रेरित होते रहते हैं। कुछ भोग की जो लालसा हमारे में है और असुरक्षा की जो भावना है, जो भय है, उस भय से बचने के लिए और सुख को भोगने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, उसके लिए हम कर्म करते रहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं अगर नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा नहीं, तो मैं भोगूंगा कैसे। दुनिया में इसीलिए लोग तो इतना परिश्रम कर रहे हैं, कह रहे हैं सफल हो जाओ सफल हो जाओ। क्यों? उनमें लालसा है भोगने की और भय है भोग के छूट जाने की, कि भोग नहीं मिलेगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इस तरह का जो निरंतर भय रहता है, इसके कारण वह क्रिया करता रहता है, कर्म करता रहता है। तो उसके साथ जो संगपन है, क्रिया के साथ जो संगपन है, वही हमारा कर्म कहलाता है और उसका हम बंधन बन जाता है। तो जो हमारा मन है वह संयुक्त हो जाता है और उसमें जब आसक्ति आ जाती है तो हम निरंतर कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं। यदि कर्म करने से हमें रोक दिया जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। किसी को कर्म करने से रोक दें, आप चाहो चुपचाप, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बात पैसे की नहीं है, ठीक है तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें करना कुछ नहीं। यदि ऐसा भी कह दिया जाए कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, चुपचाप एक स्थान पर बैठे रहना, तुम्हें पैसे मिलेंगे, पूरी तनख्वाह मिलेगी, वो नहीं बैठेगा। कोई यदि अधिकारी है ऐसा, कोई अगर उद्योगपति है ऐसा, तो अपने कर्मचारी से ये करा के देख सकता है। उसको कह दें आपको डबल देंगे, बस आपको चुपचाप बैठे रहना, कुछ करना नहीं, या लेटे रहना है, बस एक पोजीशन, वह नहीं करेगा। क्योंकि उसका दिमाग ट्यून्ड है कर्म के प्रति, इसीलिए वहां पर जो है रजगुण की जीत होती है। यदि छोटे छोटे बालक हैं, अभी शिशु है, हाथ पैर मारता रहता है, उसका हाथ पैर पकड़ेंगे तो क्या करेगा, रोना शुरू कर देगा। वो पैर मारता रहता है, हाथ मारता रहता है, सिर हिलाता रहता है, उसी से वह ट्यून्ड रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है, वह उसके शरीर में रक्त संचार होते रहते हैं, इस तरीके से वो स्वस्थ रहता है। लेकिन दिमागी रूप से अस्थिर, अविकसित, जो जितना बेचैन है वह उतना ज्यादा कर्म करेगा, जो जितना ज्यादा कर्म कर रहा है मतलब उतना बेचैन है, उतना दिमागी रूप से अस्थिर है। यदि 2 घंटा भी उसे एक पोजीशन पर बैठने के लिए कहा जाए तो नहीं कर सकता। 2 घंटा में 50 जगह जा सकता है, दौड़ सकता है, हाँप सकता है, उसे वह मंजूर होगा, वो चाहता है फील्ड वर्क मिले, दौड़ने को मिले, कुछ करने को मिले, एक जगह बैठने को नहीं। तो अस्थिरता दिमाग में रहती है तो वे फील्ड में दौड़ते रहते हैं। तो कर्म करने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते हैं, भोग भोगना चाहते हैं अधिक से अधिक। तो यह जो रजगुण है यह कर्म को प्रेरित करता है और अपने साथ दुखों के अंबार को ले आता है। आप अधिक कर्म कर रहे हैं, अधिक पदार्थ इकट्ठा कर रहे हैं, या अधिक पदार्थ गंवा रहे हैं, पदार्थों का उलट पलट कर रहे हैं, इससे आप सिर्फ जो है दुख का सृजन कर रहे हैं, रोग का सृजन कर रहे हैं। इसीलिए जितने कर्म करने वाले हैं सब अधिकतर रोगी। तो क्या फिर भगवान ने कहा है कर्म करने के लिए? फिर तो भगवान ने निष्काम कर्म करने के लिए कहा है। निष्काम कर्म करने से आप बंधन में नहीं बंधेंगे, रजोगुण से नहीं बंधेंगे, गुणों से नहीं बंधेंगे, आप जो है कर्मयोगी हो जाएंगे। लेकिन निष्काम कर्मयोगी चाहिए, आपकी कोई कामना नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई स्पृहा नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। प्रेरणा से कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे, उस तरह की जो कर्म भावना है, कर्म है, तो जो ना हमें उस कर्म से मतलब रह जाता है, ना कर्म फल से मतलब रह जाता है, तो वह जो है मैं नहीं बांधता, तो वह रजोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है।
फिर भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान है वह ढक दिया जाता है तम के द्वारा। सत्गुण से ज्ञान होता है और तम गुण से ज्ञान को ढक दिया जाता है। ज्ञान ढक जाएगा तो क्या होगा, कर्तव्य कर्तव्य का बोध नहीं होगा, सत असत का पता ही नहीं चलेगा, व्यक्ति को क्या धर्म क्या अधर्म है कुछ पता नहीं चलेगा, वो आलस्य में पड़ा रहेगा, प्रमाद में पड़ा रहेगा, निद्रा में पड़ा रहेगा, उठपटांग उठपटांग भोजन करेगा, जब मन तब भोजन करेगा, न समय से भोजन करेगा, न समय के अनुकूल भोजन करेगा, न परिस्थिति के अनुकूल भोजन करेगा। और ऐसे व्यक्ति जो नहीं करने चाहिए वैसे कर्म करेंगे और जो करने चाहिए वैसे कर्म बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इधर छेड़े उधर आग लगा दिए फिर भाग गए वहां से। तो दूसरे के दुख में जो सुख लेते हैं ऐसे लोग तमोगुणी होते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है कि अमुक के घर में क्या हो रहा है, वहां कौन दुखी है, और जब दुखी होगा तो बहुत तेजी से वो समाचारों को फैलाता है, वहां पर वो सक्रिय हो जाता है, उसमें रजोगुण की वृद्धि हो जाती है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में होते तो तमोगुण ही है, लेकिन वहां पर वो रजोगुणी हो जाते हैं क्योंकि उन बातों को फैलाने में वह सुख पाता है। तो उसका ध्यान उसी में रहता है, कहाँ कहाँ क्या बुरा कर्म हो रहा है, बुरे कर्म के प्रति बहुत आसक्ति होती है उसमें, और वह यह भी मान के चलता है कि दुनिया बहुत बुरी है। सुनने में आपको लगेगा कि बहुत अच्छा आदमी है क्योंकि यह दुनिया को बुरी कह रहा है, उसे दुनिया में कहीं अच्छाई नहीं दिखती है, सिर्फ बुराई, सब बुरे हैं, वहां व्यभिचार हो रहा है, वहां काम हो रहा है, वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां चोरी हो रही है, वहां हिंसा हो रही है, और तमाम तरह के जो नकारात्मक खबरें जो होती हैं उसके प्रति उसका आकर्षण होता है, और समाचार पत्र में वो वही पढ़ता है और न्यूज में वो वही सुनता है और देखता है, और उससे ही प्रसन्न होता है और उसी को वह स्प्रेड करता है, उसी का प्रोपेगेंडा करता है। ऐसे लोग तमोगुणी लोग हैं जिनमें रजोगुण का भी कुछ भाव है, ऐसे लोग इसी में सुख पाते हैं। तो ये सब लोग सेडेस्टिक प्लेजर लेते हैं, दूसरा कोई करा रहा है, दुख से पीड़ित है, पाप कर्म में दूसरा डूबा जा रहा है, तो उसमें खूब आनंद लेगा, उसके पाप कर्म की खुद निंदा करेगा और स्वयं भी पाप कर्म करता रहेगा। बहुत घोर घोर तमोगुणी हुआ तो और ज्यादा उसको बढ़ावा देगा, उसमें और ज्यादा लग जाएगा। तो इस तरीके से वह नहीं करने योग्य कर्मों को करता रहता है, करने योग्य कर्मों को नहीं करता है, किसी भी प्रकार के पाप कर्म में वह लज्जित महसूस नहीं करता, उसे शर्मिंदगी नहीं होती, वह ढीठ होता है, और उसमें ही वह अपनी बुद्धिमानी और समझता है कि हमारी बहादुरी है, अपने ढीठपन को वह बहादुरी समझता है, दूसरे को सताने को दूसरे को पीड़ा देने को वह अच्छा समझता है, उससे ही उसे कुछ सुख मिलता है, मर जाने से प्रसन्न होता है, सोचता है अब इसका भोज खाएंगे। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, बहुत ऐसे तमोगुणी होते हैं, आप लोग भी मिलते होंगे ऐसे लोगों से जो यह मनाते रहते हैं कि वहां मर जाए कोई, वहां मर जाए, वहां हिंसा फैल जाए, वहां दंगा हो जाए, वहां फसाद हो जाए, वो अमुक आदमी की लड़की को लेके वो भाग गया, इसको लेके वो भाग गया, इस तरह की बातें उसे बहुत रुचिकर लगती हैं और उन्हीं में वो रस लेता है, वही सुनाता है और वही चाहता है कि ऐसा होता रहे, और वह खुद भी जब मौका मिले तो वही करता है। तो इस तरह के तमोगुणी, इनका ज्ञान बिल्कुल ही खत्म रहता है, ये बिल्कुल अज्ञान में रहते हैं, इन्हें ज्ञान में कोई रुचि नहीं है, सत्संग में कोई रुचि नहीं होती है। ऐसे लोग जो हैं कहीं धार्मिक स्थानों पर नज़र नहीं आते हैं, आज अगर नज़र कभी आ भी गए तो वहाँ पर सिर्फ निंदा देखेंगे और वहाँ फिर खाना खाएंगे और भागेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं इन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता, कई बार इन्हें कुछ बताया भी जाए, सिखाया भी जाए, समझाया भी जाए तो इनके पल्ले नहीं पड़ता, ऐसे तमोगुणी होते हैं ये। इन्हें विद्या से नैसर्गिक वैर होता है, पढ़ने नहीं जाएंगे, इनके घर वाले मार पीट करके ले जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा जबरदस्ती घर वाले उसे खींच खींच के ले जाते हैं, वो जाना नहीं चाहता,
वो जमीन पर लेटेगा, इधर उधर करेगा, कई तरह के बहाने बनाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, चला भी गया तो वहाँ इतनी शरारत करेगा कि उसे भगा दिया जाए, स्कूल से नाम काट दिया जाए। पढ़ने से ही उसे बैर होता है, ज्ञान से उसे बैर होता है, किताबों से उसे एलर्जी होती है, शिक्षा से वह दूर भागता है। गुंडागर्दी, बदमाशी, आवारागर्दी, ये सब इनके लक्षण होते हैं, वही ये करते हैं, उसी में ये सुख पाते हैं। तो यह है तमगुण का विजय है। तो यही कहा जा रहा है कि वह जब प्रमाद होता है और जो ज्ञान ढक जाता है तो समझ लीजिए तमोगुण का वहाँ पर विजय हो गया। यही भगवान बतलाना चाह रहे हैं कि इस तरह से गुणों का विजय होता है, लेकिन वास्तव में जो साधक हैं, सच्चे साधक हैं, जिन्हें अपना शारीरिक, बौद्धिक, सब आत्मिक सब का विकास करना है, तो वैसे लोग जो होते हैं वे हर श्रेष्ठ कार्यों में रुचि रखते हैं, समाज के सभी कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और निष्काम भाव से सेवा करते हैं। ऐसे लोग जो हैं गुणातीत हो जाते हैं, तो सत, रज और तम तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, गुणातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इन गुणों की वजह से आदमी कैसे कैसे पीड़ित होता है और कैसे कैसे कर्म करता है जिसके कारण जो है वो इन गुणों से पीड़ित हो जाता है, इन गुणों की जीत हो जाती है। तो इसमें इतना ही। ओम।